कई बार ये सुनने को मिलता है कि यूटीआई के केसेस में दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन केसेस में एंटीबायोटिक नहीं देना होता है आपको। तो नहीं देना है या देना है, कब देना है, एक्चुअली कंफ्यूजन यहाँ पे है। नहीं देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो पहले तो ये जान लें कि ये जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जनरली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है। एंड मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म अगर आप देखो तो दैट इज ई कोलाई, इशरीचिया कोलाई। इसके अलावे भी अगर आप देखो तो कुछ वायरल भी होते हैं जो वायरल यूटीआई प्रोड्यूस करता है। कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं फंगल यूटीआई के लिए। तो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं जो आपको यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी में नजर आता है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक प्रोटोकॉल बताने जा रहा हूँ कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का क्या प्रोटोकॉल है, क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड वे क्या है, मेथड क्या है। तो देखें, पहले समझें, अगर आपको यूटीआई डायग्नोज हुआ है, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको डायग्नोज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फाइंडिंग्स, सिम्टम्स एंड साइंस, यहां पे ऑर्गेनिज्म आपको पता नहीं है कि किस वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यूरिन सैंपल ले लेना होता है किसी भी एंटीबायोटिक को लेने से पहले। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले एंटीबायोटिक का एक डोज ले लिया एंड फिर अगर आप यूरिन सैंपल कलेक्ट करोगे तो हो सकता है जो ऑर्गेनिज्म इसमें निकल कर आता, ग्रोथ जिसका होता, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता इस एंटीबायोटिक के वजह से। इसलिए यूटीआई में जो करेक्ट प्रोटोकॉल है कि आप पहले यूरिन सैंपल ले लें एंड एक बार यूरिन सैंपल जब आपने ले लिया उसके बाद आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। ठीक है, यूरिन सैंपल अगर आप इमीडिएटली नहीं भी दे पा रहे हो लैब में तो भी चलेगा, कुछ घंटों के बाद आप जाकर दे देना लैब में, लेकिन यहाँ पे एंटीबायोटिक आप ले सकते हो इजीली। अब ये एंटीबायोटिक आप कब तक लोगे? ऑफकोर्स जब तक कल्चर का रिपोर्ट नहीं आ जाता है। अब जब कल्चर का रिपोर्ट आएगा तो आप वहां देखोगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म निकल कर आया है। सपोज ई कोलाई निकल कर आया है तो ई कोलाई के अगेंस्ट बहुत सारा एंटीबायोटिक आप देखोगे तो सेंसिटिविटी शो करेगा, बहुत सारे के सामने वो रेजिस्टेंट शो करेगा। तो आपका ये एंटीबायोटिक लिया हुआ अगर रेजिस्टेंस वाले ग्रुप में है, इट मींस आपको अब इस एंटीबायोटिक को चेंज करना है उस एंटीबायोटिक से जिससे ये सेंसिटिव है। लेकिन अगर आपका प्रीवियसली टेकन एंटीबायोटिक सेंसिटिव है इस इकोलाई के अगेंस्ट तो आप इसी एंटीबायोटिक को आगे कंटिन्यू कर देते हो। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि करना क्या होता है ऐसे केसेस में। आप सैंपल लो, एंटीबायोटिक स्टार्ट करो, वेट करो कल्चर रिपोर्ट का। कल्चर रिपोर्ट में सेंसिटिविटी पैटर्न सेम एंटीबायोटिक से है, कंटिन्यू द सेम एंटीबायोटिक। अगर यहाँ पे सेंसिटिविटी पैटर्न इस एंटीबायोटिक को नहीं शो कर रहा है, रेजिस्टेंट शो कर रहा है, तो आप स्विच कर लो किसी दूसरे एंटीबायोटिक पे जो इजिली अवेलेबल है एंड जिसकी सेंसिटिविटी सबसे अच्छी दिखाई जा रही है आपके रिपोर्ट में। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको समझा दिया होगा कि क्या करते हैं, क्या है यूटीआई का ओरिजिनल प्रोटोकॉल। पसंद आया लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ऐसी कई सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ।